रैंडमली एक भैया जी मिले जो कि मेरी ब्लॉग पर डे देखते हैं ना भैया, तो मेरी ब्लॉग पर डे देखते हैं। अच्छी लगती है नहीं ब्लॉग? एकदम देखने मजा देता है। बाकी भैया अच्छा कोऑपरेट करते हैं, भैया मेरा वीडियो देखते हैं, अचानक से मिले, मेरे सब्सक्राइबर है, दिल से बहुत अच्छा लगता है जब राह चलते लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे कुछ छुछुंदर भी मिल जाते हैं ना भाई, पो पो बात करते समय डिस्टर्ब करते हैं यार, तो बंदा यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस तो गाइस आज शुरू करते हैं अपनी ब्लॉग, दुकान से आ गए हैं गाइस, चलते हैं फटाफट नहाते हैं, आज है संडे, आज करेंगे पूरा फन डे। तो गाइस मिलते हैं आप लोग को नहाने धोने के बाद, ज्यादा नहीं बोले थे। अरे ओके बोला ठीक है। तो गाइस फटाफट नहाते हैं, नहा धो के रेडी होते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी ब्लॉग। तो गाइस नहा धो के रेडी हो गए हैं गाइस, तो फटाफट चलते हैं। और चलने से पहले मम्मी पैसा देता, अपने मम्मी पैसा दो मर्सिडीज के लिए। दा यार कितना पैसा चाहिए? 2.5 लाख रुपया। धनिया लेके आओ, और कितना धनिया चाह रहे? ताजा बा। तो गाइस फटाफट यहाँ निकलते हैं, मम्मी से पैसा लेते हैं और लाते हैं गाड़ी फटाफट। आज संडे है, आज गाड़ी लाते हैं, कल शनिवार था इसलिए नहीं लाए थे, कुछ पैसा दे दिए, आज पूरा पैसा लेके गाड़ी लाते हैं। दबाई पैसा दो, पैसा दो यार। मजाक बना के रखे हो यार भाई साहब, पैसा नहीं दे रहे हो। तो गाइस फटाफट घर से बाहर निकलते हैं, पैसा लेते हैं, लेने चलते हैं गाड़ी। तो गाइस कुछ ऐसा है, पैदल जा रहे हैं गाड़ी लेने, ऐसा है कि कल आशीष भैया आए थे जिम में, तो बाइक लेके वही चले गए, उनकी थार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, दिए थे एजेंसी में बनने के लिए, तो भैया गए बाइक दे दो उनको घर जाना है, फूफा उफा लोग आए थे तो बाइक लेके वो चले गए हैं। तो बाइक तो मेरे पास एक ही है, स्कूटी लेके गया है दूध दूध बांटने अपना, तो पैदल ही चल सकते हैं, देखते हैं ऑटो मिलती है तो ऑटो लेते हैं, ऑटो लेने के बाद कुछ दूर तक सफ़र करते हैं। सौरभ भाई को फ़ोन किया, सौरभ भाई लालगंज गया हुआ है, चलिए कैसे ना कैसे अपने मंजिल पे तो पहुंच ही जाएगा, मरते खुदा या मरते कैसे हिम्मत वाला ऐसे दुआ है, ऐसे कुछ है अपनी ज़िंदगी। तो फटाफट ऑटो देखते हैं, ऑटो लेते हैं, ऑटो लेके भरूना पहुँचते हैं, भरूना के बाद किसी से लिफ्ट मांगते हैं, फिर धौरपुर चलते हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होगा गाइस, पहुँचना तो है ही आज कैसे। तो भाई लोग हमको ऑटो मिल चुकी है, अब हम लोग ऑटो बैठ चुके हैं, ऑटो बैठ के पहले चलते हैं यहाँ से भरूना से, फिर कोई साधन मिलेगा ऑटो या कोई दोस्त मिल जाता है फिर वहाँ चलते हैं धौरपुर, बैठ गए ऑटो पे। तो गाइस बहुत ज़्यादा खुशी है गाड़ी लेने की, गाइस फटाफट पहुँचते हैं, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद घूमते हैं गाइस, तो मिलते हैं आप लोग को सीधा भरूना चौराहा पे, यहाँ से चलते हैं। जैसा कि गाइस सौरभ भाई तो गया है लालगंज, तो अपने पास कोई है नहीं, तो आए हैं ऋषि के पास, ऋषि की मतलब बगल, मतलब ऋषि के घर पे, मतलब जहाँ रूम पे एक रेंट में आंटी रहती हैं, तो उन्हीं का स्कूटी मांगे हैं, उन्हीं का स्कूटी से हमको ऋषि भाई छोड़ देगा। तो गाइस फटाफट चलते हैं, गाड़ी लेते हैं, इसे स्कूटी से जाना पड़ेगा, ये मुझे लेके चली जाएगी वहाँ तक, मेरा वेट 90 kg है और ऋषि का वेट 50 kg है, शायद लेके चला जाएगा, कंडीशन से नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है भरूना चौराहा पे पहुँच देगा, चलते हैं देखते हैं, इसका भी एक टेस्ट हो जाएगा कि मेरे साथ सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। और इसे ऋषि भाई आता है फटाफट, भरूना से पहले ही उतर गए क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई साधन नहीं था, सौरभ भाई फोन किया, करा भाई सच में लालगंज आया हूँ नहीं आ पाऊँगा, हम कहा ठीक है भाई, तो ऋषि को लेते हैं स्कूटी से, स्कूटी से हमको छोड़ देगा, हम अपनी गाड़ी लेके चले आएंगे या। तो गाइस ऋषि भाई टूटी का टावी लेके आ गया है, हमको तोड़ने जाएगा दादा। लो मड़, चलो भाई हाँ, मेरा वजन झेल लेगी ना। तो गाइस बैठ गए स्कूटी पे और फटाफट चलते हैं गाड़ी लेने, ऋषि भाई हमको जाएगा छोड़ के, फटाफट चला आएगा, दोनों हाथ पकड़ के चलाओ भाई, सेफ्टी रखो, क्या यार आजकल के लड़के इतने खराब हो गए ना अपने आप, पता नहीं क्या समझते भाई, हम लोग का एक बचपन था, जब हम लोग को साइकिल भी नहीं मिलती थी चलाने के लिए, हम लोग तरसते थे यार पापा साइकिल दिला दे, ये दिला दे, बहुत चाह थी। हाँ आजकल के लड़के स्कूटी पा गए, बाइक पा गए, मजा ले रहे हैं भाई, हम लोग देख रहे हो कितने उम्र में बड़े हो गए भाई साहब, KTM सब चलाते हैं, KTM सब चला चुके हैं। अरे तो कब चलाए हैं, इतना उम्र हो गया अभी तुम्हारा, हमारा उम्र तुम हमसे आधे उम्र के हो, बताओ यार गाइस, ऐसा ही जनरेशन चल रहा है, क्या किया जा सकता है, जनरेशन के साथ ही घर वालों को चलना पड़ता है, ऐसा दिन आ गया है, और लड़के लड़के अपने घर वालों के साथ नहीं चलते हैं लेकिन अब घर वाले लड़कों के साथ चलने लगे हैं, क्या किया जा सकता है गाइस, पल दो पल की बातें हैं, तो ऐसे ही बात करते करते समय गुजर जाएगा, हम लोग गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे और गाड़ी ले लेंगे गाइस। मोटा पैसा लेके आए हैं जेब में ऑनलाइन और कुछ जेब में, चलते हैं गाड़ी लेते हैं फटाफट। एक भैया जी मिले जो कि मेरी ब्लॉग पर डे देखते हैं,
देखते हैं ना भैया, तो मेरी ब्लॉग पर डे देखते हैं, अच्छी लगती है नहीं ब्लॉग? एकदम देखने में मजा आता है। ऐसे ही हम लोग को प्यार में क्या पोपो, जाओ भाई जाओ जाओ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जाइए सर जाइए आप। तो ऐसे ही रोड पे छुछुंदर मिल जाते हैं जो कि पोप आए करते रहते हैं, बाकी भैया हमको यही रोकना यही रोकना यही रोकना यही है, बाकी भैया अच्छा कोऑपरेट करते हैं। भैया मेरा वीडियो देखते हैं, अचानक से मिले, मेरे सब्सक्राइबर है, दिल से बहुत अच्छा लगता है जब राह चलते लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे कुछ छुछुंदर भी मिल जाते हैं ना भाई, पो पो बात करते समय डिस्टर्ब करते हैं यार, तो बंद है यार, बंद है ऋषि भाई, पैसा दे दिए हैं पूरा गाड़ी का, तो कंपनी बंद करके भाग गई है, भाग तो नहीं गई नहीं, आज संडे है ना इसलिए बंद किया। तो गाइस जो हम लोग विहान मोटर से गाड़ी ले रहे थे तो वो आज संडे है इसलिए शॉप तो बंद थी, पर गाड़ी हमारी वॉशिंग सेंटर पे आके खड़ी है, अभी नहीं दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे एकदम लास्ट में कि गाड़ी है कौन सी, मतलब दो में से एक ही होगी, ये तो आप लोग जानते हैं कि दोनों में से एक होगी, अब देखते हैं फिलहाल एकदम लास्ट में दिखाएंगे। आए हैं गाड़ी की चाबी लेते हैं, पैसा तो पूरा दे ही चुके थे, कल ही हम पूरा पैसा दे दिए थे, शनिवार था तो ले नहीं गए थे, आज संडे आज गाड़ी लेंगे, पैसा दे दिए हैं, आ रहे हैं तो गाड़ी की दोनों चाबी रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी उठाते हैं, फिर सीधा चलते हैं घर, वेट कर रहे हैं, कह रहे भैया रुक जाओ 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, मैं ठीक है ओके कोई बात नहीं, जैसे इतना इंतजार किया वैसे एक घंटा आधी घंटा और इंतजार कर लेंगे, कोई बात नहीं, गाड़ी के प्रेम में कुछ भी, गाड़ी के प्रेम में कुछ भी। कैसे कहा गया एक रील्स वायरल हुआ है ना कि किसी के लिए शौक है, किसी के लिए ज़रूरत है, किसी के लिए मोहब्बत है, तो मैं तीसरा वाला हूँ, मुझे मोहब्बत है गाड़ियों से, इसलिए मैं गाड़ी रखना हूँ, इसलिए मैं गाड़ी बदलता रहता हूँ गाइस, यही सब कहना था, बाकी चाबी फटाक से यार जल्दी जल्दी गाड़ी लेके चले, बहुत मन कर रहा है चलाने का खूब दूर तक, काफ़ी देर तक बैठे थे 1 घंटे तक, लेकिन भैया आए नहीं, क्योंकि बात ऐसी कुछ थी कि वो एक BMW का मतलब गाड़ी उठाने गए थे, मतलब लेने गए थे, जो सेकंड हैंड मोटर्स वाले हैं विहान मोटर्स में, तो कोई गाड़ी देखने गए थे, तो इसलिए उनको आने में काफ़ी टाइम लग गया, हम भैया ठीक है, फिर भूख भी लग रहा था तो घर चले आए, खाना पीना का शाम हो गया, कहे हो सकता है कि शाम को गाड़ी मतलब जो BMW लेने गए लेकर आएंगे ऑफिस पर, तो उसको खड़ी करेंगे, मेरी गाड़ी ही लेते आएंगे, या फिर आज नहीं तो फिर कल गाड़ी, पक्का गाड़ी जाके ले लेंगे, पैसा पूरा दे चुके हैं, बस गाड़ी लेने जाना है गाइस, और आज जा नहीं पाए थे गाइस, और हो सकता है अर्षित भाई तब से आए, कहा भाई आज संडे है चलो कपड़ा ले लेते हैं, क्या भाई कपड़ा लोगे क्या? हाँ देखिए यार कितना कपड़ा लोगे, अगली बार 1 लाख का शॉपिंग किए थे, इस बार 1 करोड़ का करेंगे, साफ बालक हाँ बेटा हाँ, 1 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से, 1 लाख रुपया आइए ना, हाँ लाद। तो गाइस फटाफट क्या भाई क्या देख रहे हो, भाग गया। तो गाइस हो सकता है थोड़ी देर बाद हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले, एक मतलब घर रिलेटिव भी आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए बैठे हुए हैं दुकान पर, आएगा तो घर लेके जाना है, और गाड़ी गाइस कल पक्का आ जाएगी, कल सुबह सुबह आप लोग को गाड़ी दिखा देंगे, कौन सी गाड़ी हम लिए, पोलो या मर्सिडीज, आप लोग कमेंट करते रहिए कि मैं गाड़ी कौन सा ले सकता हूँ, बस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई लोग हम लोग आ गए हैं फिर से ट्रेंड्स में, इस कूपन को भजाने, ये जो कूपन हमको मिला था फ्री का, इसको भजाने आए हैं गाइस, तो व्हाइट शर्ट अभी ट्राई कर रहे हैं, व्हाइट शर्ट ट्राई करते देखते व्हाइट शर्ट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, मुझे व्हाइट शर्ट लेना भी है गाइस, ये व्हाइट शर्ट लिए हैं, एकदम फिटिंग सही आ रहा है, लेकिन मम्मी लोग का जानते हैं ना कहना क्या रहता है, थोड़ा बड़ा लो थोड़ा बड़ा लो, कहीं बड़ा लो बता, इतना अच्छा फिटिंग कल्चर है, इतना फिटिंग साइज लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, लेंगे तो 42 ही यार, 44 नंबर बड़ा हो जाएगा ना ऋषि भाई, 44 नाप के देखते हैं। तो भाई ले रहे हो? हां भाई देख रहे हो, बिलिंग हो रहा है, बिलिंग 2 करोड़ रुपए का शर्ट आपका, ये कहते हैं ये ग्रीन वाला 44 दिए ठीक है ना, हाँ हाँ 46 ठीक है ठीक है, और इसमें टी शर्ट में 100 रुपए डिस्काउंट होगा, फिर मन कूपन बांधने को तो गाइस बिलिंग करवा रहे हैं, कितनी बार सही करा रहे हो, आओ इधर आओ, जितनी बार तुम बोलते हो, तुम कितनी बार करवाते हो, क्या लोगे यहाँ से, यहाँ नहीं तुम्हारे लाए, ये तुम गलत एरिया में घुस रहे हो, गलत एरिया भाई निकलते हैं, जहाँ तुम्हें लेना था वहाँ लिए नहीं, वो तो ले लिए ना, अच्छा हाँ, तो टोपी लोगे भाई, टोपी टोपी लोगे भाई, तुम ले लो भाई, तुम ले लो भाई, अरे देखो भाई आज कितने का शॉपिंग की है, 2 करोड़ 2 करोड़ का, कैसा लगा शॉपिंग करके, मजा आ गया।